तुला राशि वालों, 27 मार्च बुधवार का दिन चित्रा नक्षत्र में मंगल का प्रभाव। मंगल आपके धन भाव का स्वामी है। आज आपकी कुंडली के पंचम भाव में लग्नेश शुक्र के साथ और शनि के साथ गोचर कर रहा है। जीवन में अनेक प्रकार का सुख संपत्ति का योग मंगल के प्रभाव से आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली के लग्न में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। मंगल के साथ चंद्रमा का नवम पंचम योग है। चंद्रमा आपके कर्म का स्वामी है। आज आपकी कुंडली के लग्न पर गोचर कर रहा है और सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ बुध की युक्ति है। बुध आपके लिए भाग्य का स्वामी है, जिसकी दृष्टि लग्न के ऊपर है, जहां कर्म का स्वामी चंद्रमा गोचर कर रहा है। राहु का लाभ के स्वामी सूर्य के साथ गोचर करना और आपकी कुंडली में भाग्यशाली योग संयोग का बनना जीवन में अनेक सफलता, सौभाग्य और लाभ का अवसर प्रदान करेगा। आज आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जो बड़ी उपलब्धि और तरक्की आपको प्रदान करेगा। अपने मेहनत से आप जीवन में बहुत सुख संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी कुंडली के छठे भाव में आज सूर्य के साथ राहु का गोचर हो रहा है। अन्यथा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अपने मेहनत का परिणाम आप बेहतर पाएंगे। उत्साह आपके जीवन में बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन आपको सुख देगा। भाग्यशाली आप हैं, सौभाग्यशाली योग है। जीवन के अनेक क्षेत्रों में कामयाबी, सफलता और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आज का दिन आपके लिए बेहतर दिन साबित होगा। आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा, क्योंकि शाम 4:16 के बाद स्वाति नक्षत्र में राहु और शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा, जो आपकी जीवन में उमंग उत्साह को बढ़ाएगा। नौकरी व्यापार की स्थिति को सुंदर बनाएगा, नेतृत्व की क्षमता देगा, जीवन में सुप्ता का संचार करेगा। आपके कार्य सफल होंगे और जीवन में एक नई शुरुआत होगी। एक नई संभावना आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। आज का दिन आपके लिए शुभ कार्य का आयोजन भी और मन में खुशी और जीवन में उन्नति का अवसर प्रदान करेगा। कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन उत्साहजनक परिणाम देंगे। बेहतर दिन होगा। भाग्य सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सन्मान, तेहि के कारण सकल शोभे सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 27 मार्च बुधवार का दिन चैत माह कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि चित्रा नक्षत्र व्याघ्यात योग में दिन की शुरुआत ते मंगल का प्रभाव। चित्रा नक्षत्र में मंगल जो आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, शनि और शुक्र के साथ आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है। शाम 4:16 के बाद स्वाति नक्षत्र में राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव आपके लिए बड़ा लाभकारी अवसर लेकर आएगा। दिन बड़ा भाग्यशाली होगा। समृद्धि सौभाग्य का सुख मिलेगा। तरक्की उन्नति आपकी जीवन में होगी। सोच समझ कर काम करेंगे, ज़्यादा सुख और लाभ अर्जित करेंगे। आज आप राहु काल 12:27 से 1:59 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें और उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें।
अगर आप अपने जीवन में ज्यादा सफलता, लाभ, सुख और समृद्धि चाहते हैं तो आज आप पूर्व दिशा की तरफ से या पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत करें। दिन आपके लिए ज्यादा लाभ, तरक्की, सुख, सौभाग्य लेकर आएगा। मंगल का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। आज आपकी कुंडली में चंद्रमा बृहस्पति का सम सप्तक योग बन रहा है। चंद्रमा मंगल का नवम पंचम योग है। चित्रा नक्षत्र में मंगल का प्रभाव विशेष तौर पर आपके लिए लाभकारी साबित होगा। मंगल के प्रभाव से तरक्की, उन्नति, समृद्धि का सुख मिलेगा। साथ ही साथ आज राहु का भी प्रभाव है। चंद्र मंगल का नवम पंचम योग है और बृहस्पति चंद्रमा का सम सप्तक योग कार्य क्षेत्र में आज का दिन बेहतर रहने वाला है। आज दिल के बजाय दिमाग से सोचें। ये समय प्रैक्टिकल होकर सोचने के लिए है, जो आपकी जीवन में शुभ रहेगा, बड़ी सफलता देगा, भाग्य की मजबूती से लक्ष्य आपके प्राप्त होंगे, जीवन में शुभता का संचार होगा, गतिविधि में गति आएगी, महत्वपूर्ण कार्य आपके सफल होंगे, परिवार में सुख बढ़ेगा, सक्रियता दिखाएंगे, संचार और संपर्क आपका मजबूत होगा। आज का दिन धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहने का दिन है। आज धन संपत्ति, उन्नति और अपने नेतृत्व क्षमता का पूरा लाभ उठाते हुए बड़ी सफलता, कामयाबी पाने का दिन है। आज का दिन आपके लिए बड़े बदलाव लेकर आएगा, बड़ी परेशानियों से आपको राहत देगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आज आप उत्साहपूर्वक काम करेंगे और कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करके अपना नाम भी कमाएंगे, धन भी कमाएंगे, सफलता, कामयाबी भी पाएंगे। आज का दिन आपके लिए खासा मुनाफा लेकर आएगा। आज का दिन आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। आज स्वाति नक्षत्र में राहु और शनि का प्रभाव, जिसके प्रभाव से जीवन की उलझनें समाप्त होगी। आज आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी के काम में बाधा ना डालें, किसी से ना उलझें, किसी के साथ वाद विवाद ना करें और जोखिम भरे काम से बचें। आपके लिए आज तरक्की का योग है, सौभाग्य का योग है। अगर आप किसी से उलझेंगे, जोखिम भरा काम करेंगे तो थोड़ी दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। आज सावधानी से अपने काम को करते जाएं, आपके मन में खुशी होगी, जीवन की स्थिति बदलेगी, बड़े लाभ का अवसर मिलेगा, शुभ काम का सामर्थ्य आपके लिए बड़ा तरक्की, उन्नति लेकर आएगा। आज का दिन किसी के साथ पैसों के लेन देन में जोखिम ना लें, जल्दीबाजी में कोई फैसला ना करें, पैसों के लेन देन में थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि आज स्वाति नक्षत्र में राहु का प्रभाव है। राहु आज सूर्य के साथ युक्ति कर रहा है, ऐसे में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अपनी स्थिति को मजबूत बनाएं, तभी आपके लिए धन संपत्ति भी बढ़ेगा, सुख सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। आज का दिन व्यापार में बढ़ोतरी के अवसर मिलेंगे, प्रोफेशनल लाइफ है आपका बेहतर होगा, कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमता के अनुसार सफलता, कामयाबी पाने से आपके मन में खुशी भी जागृत होगी, सुख शांति भी जीवन में बढ़ेगा, आनंदित भी होंगे और परिवार में खुशियों का माहौल होगा। दिन आपके लिए बड़ा लाभ, सुख, सौभाग्य लेकर आया है। आज का दिन तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि आज आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव बहुत ही मजबूत है। मंगल आज शुक्र के साथ गोचर कर रहा है। प्रेम की नई शुरुआत भी आपकी जीवन में होगी, गृहस्थ जीवन का सुख भी आप पाएंगे, साथ ही साथ पारिवारिक जीवन भी आपका बेहतर होगा। वहीं आज बृहस्पति और चंद्रमा के प्रभाव से धन कमाने का साधन मिलेगा, धन संपत्ति का योग बन रहा है, उन्नति तरक्की का अवसर प्राप्त होने वाला है। आज आपकी कुंडली में
राहु की स्थिति बेहतर है, लेकिन सूर्य के साथ राहु के गोचर करने से थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है और सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। बेहतर परिणाम की प्राप्ति, मान सम्मान, उन्नति, तरक्की, धन का लाभ, यानी जीवन के अनेक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे, बेहतर परिणाम पाएंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो आज के दिन आपको अच्छा मुनाफा होगा, व्यापार का विस्तार होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो जोखिम भरे काम से बचना होगा, मेहनत से अपने काम को करेंगे, धन भी कमाएंगे, मान सम्मान भी पाएंगे। और स्टूडेंट के लिए आज का दिन बेहतर दिन है, बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी आपके जीवन में प्राप्त होगा, कार्य की गति तेज होगी, भाग्य आपका साथ देगा और जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धि आप प्राप्त करेंगे। समय आपके लिए सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली अवसर प्रदान कर रहा है। आज राहु काल 12:27 से 1:59 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर ग्रीन होगा और लक्की नंबर 9 होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:43 से दिन की शुरुआत होगी। अमृतकाल 9:08 विशेष तौर पर लाभकारी होगा। विजय मुहूर्त 2:30 आपके लिए खुशी सुख बढ़ाने वाला सुंदर अवसर लेकर आएगा। आज का दिन आपके लिए सौभाग्यशाली दिन है, भाग्यशाली योग बन रहा है। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।